हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एचक्यू क्रिएशन के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने एम आई बैंड 2 में स्क्रीन गार्ड 200-300 रुपए का खरीद के लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी मेरे पास एम आई बैंड 2 मेरे हैंड में देख सकते हैं आप जैसे कि, तो ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। मैंने इसे अभी एक हफ्ते पहले ही मंगाया है, तो मेरे को भी ऐसी कुछ लग रहा था कि इसमें स्क्रीन गार्ड मैं लगा लूँ या ना लगाऊँ। तो मैंने फिर रिसर्च करा इसके ऊपर, तो मैंने देखा कि स्क्रीन गार्ड इसके हर जगह 150 से ऊपर कॉस्ट के हैं। और मैं बता दूं, इसकी क्वालिटी जो स्क्रीन गार्ड की है बहुत ही ख़राब होती है फ्रेंड्स। इसका प्रूफ भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे देख लीजिए आप, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको उसकी इमेजेस दिख जाएगी। वहाँ पे अमेजोन की आप रिव्यूज़ की इमेजेस देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कितनी गंदी और घटिया क्वालिटी का रहता है वो। और यहाँ से आपको देख सकेंगे, यहाँ पे आपको एयर महसूस होगी अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो। तब भी आपको अगर आशंका है कि आपकी बैंड जो है वो टूट सकता है, कुछ स्क्रैचेस आ सकती है, तो आप, मैं क्या करिए मैं बता रहा हूँ आपको, आपको सिर्फ 5 रुपीज़ अपने पास रखना है और जाके आपको क्या करना है, अपने कोई भी मोबाइल रिटेलर के पास जाना है। वहाँ पर आपको जाके सिर्फ उसे 3-साइडेड वाला जो लेमिनेशन कवर होता है वो मांगना है। उसे मांगने के बाद फ्रेंड्स, आप उसे घर पे ला लीजिए। उसकी भी मैं आपको मेथड, अगर आप कमेंट करते हैं इस वीडियो को, आप कम से कम 50 लाइक कर दीजिए, तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा कि आपको इसकी, उसमें जो 5 रुपीज़ वाला जो लेमिनेशन कवर है वो कैसे पुट करना है या फिर कैसे उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे सभी वीडियो को शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।